एस्टिमेट इनकम देखो तो एक पर यानी 1,500 डॉलर से लेकर 23,000 डॉलर महीने की इनकम है। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा किड्स कंटेंट जिसे अपलोड करके महीने का 1,00,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग आप करने हैं। पैसा ही पैसा होगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके कहीं से आपको डाउनलोड करके हल्का फुल्का एडिटिंग करना है और सीधा अपलोड करना है, ऐसा करके भी महीने का 1,00,000 रुपए से ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यूट्यूब पर अभी सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग में कोई कंटेंट चल रहा है तो किड्स का कंटेंट है। किड्स कंटेंट आप जानते हैं बहुत ज्यादा वायरल होता है और बहुत ज्यादा लोग उसे देखते हैं, तो ऐसे वीडियो पे बहुत ज्यादा रीच भी होती है और ऐसे वीडियो से इनकम भी बहुत ज्यादा होती है। गाइज, ऐसा वीडियो बनाना कैसे और इससे कंटेंट आपको मिलेगा कैसे और कौन सा ऐसा चैनल है जो इस प्रकार के कंटेंट अपलोड करके महीने का 1,00,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए होने वाला है। गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट लाते रहते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट के बिना ले चलता हूं सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर। गाइज, मोबाइल स्क्रीन पर आपको बता देता हूं कौन सा ऐसा चैनल है जो इस प्रकार के कंटेंट अपलोड करके महीने का 1,00,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर रहा है। गाइज, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन शो हो रही होगी। गाइज, हम आ जाते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन पे। यूट्यूब एप्लीकेशन पे आने के बाद में आपको सर्च करना है ZNIP3R। जैसे सर्च करते हैं एक चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल में देखिए जितने वीडियो अपलोड किए सब वीडियो में हाई व्यूज है, बहुत ज्यादा व्यूज है। अगर इनके वीडियो सेक्शन में हम जाते हैं, इनका पहला वीडियो एक दिन पहले अपलोड किया है 93K, यानी लगभग 1,00,000 के आसपास व्यूज होने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है 172K, उससे पहले 147 1,50,000 के आसपास व्यू, 110K व्यू, 151K व्यू, 103K व्यू। दोस्तों मिलियंस, मतलब जो भी व्यू देखो हजारों से ऊपर ही आ रहे हैं, जो भी व्यू देखो हजारों से ऊपर। देखिए 131K है, 147K है, 272K है, 268K व्यू, 371K व्यू। अगर इनका मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखो तो देखिए 7.8 मिलियन व्यू है, 1 साल पहले अपलोड किया है। दोस्तों ऐसे वीडियो पे बहुत जबरदस्त रीच आती है, बहुत जबरदस्त देखे जाते हैं। आप जानते हो किड्स कंटेंट जो होता है बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं। अगर कोई वीडियो बच्चों को पसंद आ गया तो एक ही वीडियो 10-10 बार देखते हैं, रोज देखते हैं, तो ऐसे वीडियो में रीच बहुत आती है, ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। मैं इनका एक वीडियो आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो कल ही इन्होंने अपलोड किया। देखिए वीडियो ओपन करके आपको बताता हूँ, इस वीडियो पे जबरदस्त व्यू आपके सामने ऐड आ गई, इसका मतलब चैनल मोनेटाइज है। मैं स्किप करके बताता हूँ, देखिए अभी चैनल मैंने स्किप कर दिया ऐड। अब देखिए किस प्रकार का कंटेंट है, देखिए देखिए ये क्या फार्मिंग है जिसमें देखिए आपके सामने, मतलब खेतों का वीडियो है, फार्म का वीडियो है। ये अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा वीडियो हम बनाए कैसे, दोस्तों ये वीडियो बनाना नहीं है, ये कैसे करना है ये आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इनके चैनल पे हम चलते हैं, चैनल पे आने के बाद में इनके अबाउट सेक्शन में चलते हैं। देखिए एक नीचे की चीज ले, चेक आर्टिक गेमर, मतलब ये एक गेम है। ये क्या एक गेम है जिसे रिकॉर्ड किया गया है और जिसे एडिटिंग करके यहाँ अपलोड किया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि हम गेम खेले कैसे और अपलोड कैसे। गाइस, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको जरा भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको एक चैनल बना के ऐसा वीडियो बना के अपलोड करना है। आपको यह तो समझ में आ गया कि इस प्रकार के वीडियो से व्यूज कितने आते हैं। गाइस, इस प्रकार के वीडियो से अर्निंग कितनी होती है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम सेल के ऑप्शन में जाके इनका लिंक कॉपी कर लेते हैं और सीधा चलते हैं हम क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद में सोशल ब्लेड ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सोशल ब्लेड ओपन करते हैं, देखिए सोशल ब्लेड ओपन कर देते हैं। सोशल ब्लेड ओपन करने के बाद में इस चैनल के लिंक हम पेस्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे लिंक पेस्ट की, अब इनकी इनकम आप देख के चौंक जाने वाले हैं। मतलब सिर्फ कितना एक गेमिंग का वीडियो रिकॉर्ड करके इतनी जबरदस्त इनकम हो रही है। आप देखिए इनके व्यूज अगर देखो तो लास्ट 30 डेज में इनके 6 मिलियन के आसपास व्यूज आए लास्ट 30 दिनों में, और इनके अगर सब्सक्राइबर देखो तो लास्ट 30 दिनों में 15,000+ सब्सक्राइबर गेन हुए। ठीक है दोस्तों, और अगर इनके एस्टिमेट इनकम देखो तो 1 पॉइंट यानी 1,500 डॉलर से लेकर 23,000 डॉलर महीने की इनकम है।
इसमें एस्टिमेट इनकम अगर देखो इनकी 1,20,000 से ज्यादा है महीने की इनकम मात्र ऐसे वीडियो जो गेमिंग वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करने पर। ना इसमें आपको फेस दिखाना है और ना वॉइस ओवर करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा इस प्रकार के वीडियो बनाए कैसे जाए। गाइस उसके लिए आपको सीधा जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है फार्म सिम्युलेटर फार्मिंग सिम 22। क्या सर्च करना है? फार्म सिम्युलेटर फार्मिंग सिम 22। इस प्रकार का एक एप्लीकेशन आ जाएगा, उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में कैसे करना है पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, नहीं पड़ेगी, सीधा हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में सर्च करना है फार्म सिम्युलेटर फार्मिंग सिम 2। जैसे ही ऐसा सर्च करते हैं आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगी, इस प्रकार की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसे प्ले करना है। प्ले करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना, देखिए जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आता है आपको इसे प्ले करना है। प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मोबाइल की स्टार्ट कर देने की है। फिर स्टार्ट करना है, फिर आपको इसे खेलना है। देखिए इस प्रकार, ये इस प्रकार इसे खेलना है। अब कहाँ जाना है, देखिए आपके सामने पूरा एरो दे रखा है, वहाँ जाना है। यहाँ जाके यहाँ रुक जाना है। ठीक है, अब ये यहाँ से गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के बाद फार्मिंग में आ गए। फार्मिंग में आने के बाद में इस प्रकार आपको चले जाना है। ठीक है, देखिए बस इस प्रकार आपको रिकॉर्डिंग करना है पूरा। बस यहाँ खड़े हो गए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। फिर ये चले गए, अब देखो कहाँ जाना है, यहाँ एरो देगा, बस यहाँ जाना है। फिर आपको क्या करना, देखिए उधर घूमना है, फिर यहाँ से बीच डाल देने हैं सब। बस इस प्रकार आपको पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, अब देखिए और कहाँ जाना है, देखिए पूरा यहाँ ऊपर नीचे देख सकते हो आप किस प्रकार आपको जाना है। देखिए पीछे की साइड में जाना है, आगे जाना है, इस प्रकार आप पूरा इसको देख सकते हैं। यहाँ जाना, ये खड़े रह गए, फिर यहाँ से बीच डाल देने, फिर एक लेवल कंप्लीट हो गया। गाइस हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब हमें ऐसा वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया, अब इसे एडिट कैसे करना है उसके लिए हम सिंपली चलते हैं काइन मास्टर। आप जिस भी एप्लीकेशन में एडिटिंग करते हो वहाँ से कर सकते हो। अगर काइन मास्टर का एप्लीकेशन ये तो जो वाटरमार्क बिना वाला, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आ जाते हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद में सिंपली काइन मास्टर ओपन होने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब सीधा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यूट्यूब का रेशो 16:9 का ले लेना है। फिर इसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है उसको आपको यहाँ ले लेना है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैं इसे पहले ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया, देखिए आपके सामने आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब क्या करना है, अब जो गेम है उससे आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपके सामने जो इंटरफेस वगैरह जो साइड वाले जो नाम लिखे हुए हैं कुछ ऐसा है उससे आपको हटा देना है। कैसे हटाना है, बिल्कुल आपको प्रॉपर प्रोफेशनल वीडियो लगना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको सीधा इस पर क्लिक करना है, पैन एंड जूम के ऑप्शन पर क्लिक करके राइट वाला बटन, जो बराबर वाला जो बटन है उसे क्लिक कर देना है। फिर इसे क्या करना है, इस तरह बड़ा कर लेना है। देखिए इस तरह आपको इसे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में आपके आपके सामने ये बन गया। अब इसे देखिए, अभी हो गया, अब इसे देखिए, अब इसे कट काटना है। कहाँ से काटना, देखिए उसके लिए सिंपली आपने इसे पैन एंड जूम करके सही हिसाब से सेट कर लिया। गाइस अब इसे एडिट करने के लिए सिंपली देखिए, अब ये सेट हो गया इस प्रकार से। अब इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से जो आगे का बिना काम का पार्ट है उसे आपको कट कर लेना है। अब देखिए ये गया, अभी देखिए जहाँ भी आपको लगे बिना काम का पार्ट है उसे आपको कट कर लेना है। जहाँ ऐड आती हो इसे देखिए, ये कंट्रोल का फॉर्म है, इसे यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से हम कट कर लेना है इस प्रकार। जहाँ भी आपको ऐड और बिना काम का पार्ट है उस पार्ट को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ से भी रिमूव कर देना है। ये यहाँ कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने यहाँ कोई गेम खेला है। ठीक है, इस प्रकार का पार्ट्स आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। इस प्रकार बीच में जहाँ भी ऐड, जैसे यहाँ ऐड आई है, देखिए यहाँ से इसको रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसे। इस प्रकार आपको कट करके यहाँ से ये ऐड है पूरा, यहाँ से कटिए, देखिए यहाँ से
यहाँ से अब यहाँ देखिए इस प्रकार आपको काट देना है। देखिए आपकी स्क्वायर बन गया बिल्कुल इसी तरह, ये बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे वीडियो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है। बस इसी प्रकार आपको इस वीडियो को एडिट कर लेना है बिल्कुल, जो आपने रिकॉर्ड किया उसके बीच से जो भी एक्स्ट्रा बिना काम का पार्ट है उसे आपको यहाँ से स्लिप कर लेना है, काट देना है इस प्रकार। ठीक है गाइस, जैसे ही पार्ट्स काटते हैं उसके बाद क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये भी मैंने यहाँ से मैं काट देता हूँ इसे, अब यहाँ से भी काट देता हूँ। देखिए ये पूरा पार्ट्स इस प्रकार कट गया, देखिए कट गया। अब ये वीडियो मेरा बन के तैयार हो गया, 2 मिनट का 3 मिनट का जो भी वीडियो है ये मेरा वीडियो बन के तैयार हो गया। देखिए बस यहाँ तक ये बात करने आ गई, बस डिस्कशन, बस यहाँ तक मेरा वीडियो बन के रेडी हो गया। अभी वीडियो बन के रेडी हो गया, अब मुझे क्या करना है इसकी एक स्टोरी बना लेनी है। क्या करना है इसकी स्टोरी बना लेनी है। अगर मैं चाहूँ तो इस पर वॉइस ओवर करूँगा तो और भी अच्छा रहेगा। अगर मैं स्टोरी बना लेता हूँ तो उस पर मुझे वॉइस ओवर कर देना है। गाइज मैं यहाँ से निकल गया हूँ, जैसे देखिए ये मैं खड़ा हूँ, सपोज मान लीजिए गाइज मैं यहाँ से निकल गया हूँ, मैं अपने फार्म में जा रहा हूँ, बीजा रोपण करना है तो मैं आ गया हूँ, यहाँ मैंने बीज छांट दिए, बस इसी प्रकार का एक आपको वॉइस ओवर कर देना है। इस प्रकार अगर वॉइस ओवर करके गाइज इस पर अगर आप वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो आप सिंपली कोई भी आप YouTube लाइब्रेरी से या कहीं से भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लीजिए और उसे यहाँ लगा दीजिए। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया उसके बाद में यहाँ से सीधा इंपोर्ट कर लीजिए तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप वॉइस ओवर करते हैं, आपको अपना फेस नहीं दिखाना, बस इसमें वॉइस ओवर करते हैं तो ये वीडियो और भी आपका जोरदार बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। वीडियो बनाने के बाद में सीधा आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और आपको सेव कर लेना। गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा इस चैनल पर ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।